एनटीपीसी ने दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस को बिजली की आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी है। एनटीपीसी ने कहा है कि बीएसईएस बकाया 1300 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करती है तो बिजली की आपूर्ति रोक दी जाएगी। एनटीपीसी और बीएसईएस की इस लड़ाई में दिल्ली की जनता को 10 मई के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में पानी की किल्लत के आसार पैदा हो गए हैं। मुनक नहर बंद होने और यमुना के लेवल 4.5 फुट तक गिरने से जल बोर्ड के 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिर से 7 पर असर पड़ा है। हरियाणा में यमुना के हथिनी कुंड बैराज में पानी कम होने की वजह से दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर वाटर लेवल 670 फुट रह गया है, जो आमतौर पर 674 फुट से ज्यादा रहता है। यहां से नई दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में पानी की सप्लाई होती है। फिलहाल पानी की स्थिति हमारे नियंत्रण में है, हमारे सारे प्लांट फंक्शनल है, सब जगह पे सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री को फर्जी बताते हुए नया दावा किया है। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने शुक्रवार को कहा कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी को नहीं बल्कि नरेंद्र महावीर मोदी ने डिग्री सर्टिफिकेट लिया था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप को बचकाना करार देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में खाली पड़े 10,000 टीचरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन टेस्ट लेने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक उपराज्यपाल नजीब जंग से मंजूरी मिलने के बाद टेस्ट की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस टेस्ट में वो टीचर भी शामिल हो सकते हैं जो स्थायी करने की सरकार से मांग करते रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की जीडीपी वृद्धि दर 2015-16 में पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा रहने का अनुमान है। सिसोदिया ने कहा मौजूदा कीमतों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2015-16 में 5,58,745 करोड़ रुपए रहना अनुमानित है, जो कि 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपए था। लिहाजा तुलनात्मक रूप से 13% की वृद्धि आएगी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो दक्षिण दिल्ली में सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। बाबुल को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बाबुल शाम को मोटर बाइक से बेटी को एयरपोर्ट से लाने जा रहे थे, उसी दौरान बाबुल का एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल बाबुल सुप्रियो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मोटर बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के गले में 17 साल पहले लगी गोली को डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक निकाल दिया है। गोपाल राय को 1999 में लखनऊ में एक प्रदर्शन के दौरान गोली लग गई थी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के दफ्तरों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उपाध्याय का कहना है कि शकरपुर के एक दलाल रमेश कुमार के साथ कालकाजी के सब रजिस्ट्रार आरपी सिंह का रंगे हाथ पकड़े जाना केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोलता है। उन्होंने कहा कि एक्साइज और वेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ ही सब रजिस्ट्रारों को केजरीवाल सरकार ने पंजाब और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने का लक्ष्य दिया है। 1984 दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने कहा है कि अगर मुझ पर आरोप सही होते हैं तो मैं अकाल तख्त जाऊंगा। टाइटलर का आरोप है कि फुलका और अकाली दल मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह मोहन गोपाल जी ने राष्ट्रवाद पर विद्यार्थियों के सामने अपने विचार रखे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मोनिका अरोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता गीता गुंडे ने भी राष्ट्रवाद पर अपने विचार रखे।